जय हिंद दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अस्पायरिंग कैडेट्स फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो अपने हर एक उस डिफेंस एस्पैरेंट को डेडिकेट किया है और हर एक उस बच्चे को जो एनसीसी कैडेट हो यंग स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो वह ऐसा आदमी हो ऐसा इंडिविजुअल हो जो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाला हो या फिर ऑल दो सिंसियर स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस बी इंटरव्यू उन सबको को ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड है फ्रेंड्स आई नो कि कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज़ अ मेजर बैरियर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम रूर बैकग्राउंड फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं या वैसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में जाना क्योंकि ये जो रिच पुअर डिवाइड है अर्बन रूलर डिवाइड है इसने एक ऐसा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है कि वो एक बैरियर बन चुका है रूलर बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ग्रो करने में मैंने बहुत जगह फील किया है कि जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा होने के बाद भी उनके सॉफ्ट स्किल्स उतने अच्छे डेवलप नहीं होते हैं ताकि और इसी वजह से उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है अच्छे कॉरपोरेट सेक्टर्स में अच्छे सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है दोस्तों तो मेरा ये वीडियो इसलिए आया है कि मैं आप सबको बता सकूं कि कैसे हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करें कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा शार्पन करें ताकि जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो भी जान सकें कि हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है और मैं आपको अपने अगले वीडियोस में और भी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हम अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में दोस्तों सेल्फ़ इंट्रोडक्शन इज़ एन आर्ट वन शुड मास्टर हम सब जानते हैं कि सेल्फ़ इंट्रोडक्शन अच्छा बोलना अपने आप को अच्छा इंट्रोड्यूस करना कितना ज़रूरी है किसी भी जॉब को करने के लिए इट इज़ वन सच थिंग पीपल नीड इन एवरी पार्ट ऑफ़ हिज लाइफ हाँ दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह मददगार होगी आपको हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप चाहे कहीं भी चले जाइए आप अपने किसी भी लाइफ में चले जाइए लाइफ के किसी स्टेज पे चले जाइए आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर लीजिए यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन यू नीड टू लर्न हाउ टू गिव अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे एन सी सी के कैडेट्स से इंटरेक्ट करते हुए डिफेंस एक्सपेरेंट्स एंड यंग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए ये पता लगाया कि उन्हें सही में बहुत डिफिकल्टी होती है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को देने में वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि वॉट टू ऐड एंड वॉट नॉट टू एड सो दोस्तों मैं अपने वीडियो में इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा कि हमें अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बोलनी चाहिए और मैं आपको एग्जाम्पल भी दूँगा अपने खुद के सेल्फ़ इंट्रोडक्शन का कि आप कैसे एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं दोस्तों हमें अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत या इंट्रोडक्शन देने की जरूरत बहुत से ओकेजनस पर पड़ती है जैसे किसी इनफॉर्मल मीटिंग में या जब हम अपने कॉलेज में जाते हैं उस समय एज अ फ्रेशर्स तब हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है या जब हम किसी ऑफिस मीटिंग में जाते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है या हम इनफॉर्मली अपने दोस्तों से मिलते हैं या किसी सीनियर से मिलते हैं तब हमें इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दो मेजर एस्पेक्ट्स पे फोकस करूंगा जो कि है कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जॉब इंटरव्यू में और एसएसबी इंटरव्यू में हमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें एक सिंपल शॉर्ट क्रिस्प इंट्रोडक्शन के अंदर सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर होनी चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए आप अपना नेटिव प्लेस बताइए फैमिली बैकग्राउंड बताइए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताइए स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में बताया जा सकता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने लाइफ में कभी ली हैं उनके बारे में बताया जा सकता है और एम इन लाइफ के बारे में बताया जा सकता है दोस्तों कॉरपोरेट सेक्टर के बंदे जो हैं वो अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी उसका भी ऐड कर सकते हैं कि उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मैं अपना ही इग्जाम्पल दूंगा कि कैसे आप एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और आप इसको कॉपी मत कीजिएगा लेकिन आप इससे सीखने की जरूर कोशिश कीजिएगा और आप अपने इंट्रोडक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जो आपको लगे कि आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि टेल मी अबाउट योर तो मैं उसी का आंसर आपको अपने ढंग से बताऊँगा तो दोस्तों उसका जवाब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि सर माई नेम इज़ जॉर्जियन सोनू आई बेसिकली बिलोंग टू भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हुज डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इज़ आरा दिस प्लेस हैज़ ग्रेट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ड्यू टू इट्स रोल इन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन विच वॉज लेड बाय बाबू कुंवर सिंह ऑफ आरा सर ज्योग्राफिकली इट इज़ अ फर्टाइल लैंड ड्रेन बाई टू रिवर्स द गंगा एंड द सोन Sir, in my family, there are four members. My father, Sipoy Surendra Kumar Singh, was retired from army in 2013. He served for 17 years in Army Service Corps, which is also considered as backbone of Indian Army. My mother, Mrs. Manju Devi, is a homemaker and I have a younger sister. She is in second year of her graduation. Now friends, coming to my educational qualification. This is my school. This is the photograph of my school. So, coming to the educational qualification, I did my initial schooling at St. Stephen's School at Dhanapur Khand Patna. I got selected for Rashtriya Military School in class 6 and it is one of the finest schools in the country. I completed my secondary and higher secondary schooling over there. Friends, I am a history graduate from Banaras Hindu University with economics and geography as my core subject and presently I am pursuing my masters in personal management and industrial relations from banaras hindu university itself now friends apart from academics i have a keen interest in sports and extracurricular activities these are some photographs of my sports events and extracurricular activities i have participated so friends i love to play multiple sports but my major area of interest is basketball and boxing and I have represented my school and college at various state and national level competitions and brought laurels to the institution. These are the photographs when I got awarded and facilitated by my dean and various other dignitaries. Friends in extracurricular activities, I love to be on stage. I have participated in various debates, elocutions, declamations, theater, drama, skit and many other cultural events i'm also an ncc cadet and represented my directorate in various national level prestigious camps including republic day camp 2018 all india Annie camp and i got selected for republic day marching contingent of 69th republic day parade friends it is one of the proudest moment for me and it filled me, filled me with a sense of pride which i associate throughout my life friends Later on I went on to represent my country as youth ambassador in youth exchange program to Nepal Talking about my hobbies I love to read self help books magazines and articles on geopolitics social and environmental issues as well as I also love to exercise daily I have keen interest in content writing public speaking and decoration Friends talking about my roles and responsibilities I have been entrusted with various responsibilities throughout my school and college life. In my junior classes, several times I was appointed as a dormitory commander. I got an opportunity to lead my school contingent in Republic Day parade at Halpur district, and I also led my team in several sports events for juniors. In my senior classes, I was appointed as my Pentangular Team team captain which is an inter-school competition among 5 military schools and later on in class 12th, I was appointed as a school cadet adjutant. Friends, in my college too I am part of my college sports committee as well as member of my hostels organizing committee. In NCC, on several occasions I leaded my troop and also selected as delegation cadet senior in youth exchange program to Nepal. This is a photograph which depicts that we are in youth exchange program 2019 where 8 different nations participated in that event and we were enriched with various experiences friends i have a very clear aim in my life that is to join army as an officer and apart from that i want to have my own institute where i can teach guide and mentor young students throughout my life friends this is the photograph which depicts my aim and the broader perspective of life how to nurture young cadets my juniors and all those who want to improve and grow in their life friends please like this video subscribe this video and share this video to a large number of people so that this video could be spread in entire country and large number of carrots could get benefit from it thank you friends please like and subscribe it